वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्यसु सर्वदा। से ये महसूस कर रहा हूं कि ये बहुत शर्मनाक घटना है। इसने सारे देश में मेरी नाक कटवा दी। मैं किस किस को जवाब दूं? पुलिस स्टेशन के सामने ही उसी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर को जिंदा जला दिया गया और पूरा डिपार्टमेंट देखता रह गया और कुछ नहीं कर पाया। अरे जब पुलिस ही इतनी डरी हुई है तो साधारण जनता का क्या हाल होगा? लोगों ने शाम को घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है। अगर यही हाल रहा तो शहर को हमें सेना के हवाले करना पड़ेगा। शहर को सेना के नहीं टाइगर के हवाले कर देना चाहिए, वहाँ फिर अमन और चैन छा जाएगा। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? आप जानते हैं अखबार वाले और ह्यूमन राइट्स वाले टाइगर पर क्या इल्जाम लगा रहे हैं? वो दरिंदा है और वो पुलिस शूटर है। उसने 400 एनकाउंटर और 200 लोगों को मरवा दिया है या फिर उसे जंगली जानवर खा गए हैं। पर सारे के सारे हार्डकोर क्रिमिनल्स थे जिन पर हत्या लूटपाट का इल्जाम था और कुछ तो पड़ोसी मुल्क के आतंकवादी भी शामिल थे। तो उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? सर आज तक का रिकॉर्ड रहा है जितने आतंकवादियों को अकेले टाइगर ने गिरफ्तार किया है उतनों को पूरे राज्य के पुलिस ने मिलकर भी नहीं किया होगा। उसने 400 मुजरिमों को जिंदा गिरफ्तार किया है
पर वो रिहा हो गए और जो कुछ बचे उन्हें सरकार ने छोड़ दिया प्लेन हाईजैकिंग वालों की डिमांड पर। इसलिए उसने मुजरिमों को पकड़ना ही छोड़ दिया और उन्हें मारना शुरू कर दिया। गुणाकर जी, अखबार वाले कह रहे हैं हम नहीं, समझे आप? मुझे किसी भी हालत में सिचुएशन पर कंट्रोल चाहिए। तो सर, मैं वहाँ पर टाइगर का ट्रांसफर कर दूँ? अगर ऐसा हुआ तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। सुनिए तो, रुकावट सिंह जी, जब तक गुनाकर आपके साथ है तब तक सब ठीक ठाक है। मैंने टाइगर का ट्रांसफर भी रुकवा दिया है। आप किसी बात की चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अच्छा किया। हमार नाम है रुकावट सिंह। हमार रास्ते में जो भी रुकावट डालेगा हम उसकी सांसों में रुकावट डाल देंगे, समझ गया ना? और इसके लिए हमें कोनो खेद नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। भैया, आपने न जाने कितने जनों को जला है, लेकिन कभी इतना बवाल नहीं मचा जितना ससुर के नाते एक पुलिस अफसर को जलाने से मचा है। माय डियर ब्रदर, जब एक कौवा मरता है तो शहर के सब कौवे अपना काम धाम छोड़कर उस कौवे के पास क्यों बैठने आ जाते हैं? भैया, मातम मनाने के लिए। अरे नहीं रे, मातम नहीं, ये देखने के लिए कि जिस तरह ये कौवा मरा है कहीं कल को ये कौवे भी उसी तरह तड़प तड़प कर ना मर जाए। इसी तरह हमने इस इंस्पेक्टर को जलाकर राख कर दिया तो शहर के सब पुलिस वाले इसके आसपास इसलिए इकट्ठे हुए कि कल को उनकी मौत भी इसी तरह ना हो। इसलिए 100 बात की एक बात, आज के बाद हमार काम में कोनो कोई भी रुकावट ना ही डालेगा। अब देख, ये पुलिस वालों की मीटिंग हो गई खत्म और हमार मीटिंग हो गई शुरू। तू एक काम कर, जरा फोन लगा सुल्तान को और विश्व मोहन को। हाँ हाँ भैया, लेकिन भैया दोनों को एक साथ। अरे ये का है, ये रुकावट सिंह का इलाका है, रुकावट सिंह का दरबार है। इधर सांप और नेवला दोनों को साथ रहने में कोनो रुकावट नहीं है। हम का किया है, हम 1/4 दे दिया सुल्तान को और 1/4 दे दिया ऊ सुसर का नाती का, का नाम होगा, विश्व मोहन का, और हम खुद रख लिया 50%। इसे कहते हैं बिहारी बुद्धि, डिवाइड एंड रूल। भैया, ये तो ब्रिटिश पॉलिसी है। अबे दूंगा साले ससुर के नाती के कान के नीचे एक। ये ब्रिटिश पॉलिसी नहीं है रे, ये हमार पॉलिसी है बिहारी बुद्धि, चाणक्य नीति। ये अंग्रेज ससुर के नाती हमार पॉलिसी चुरा कर ले गए और नाम दे दिया ऊ का ब्रिटिश पॉलिसी। साले ये हल्लक में उतार देंगे हम लाठी। और ऊ का छोट फोन हुआ लगा। हाँ जी भैया, हम अभी लगा, तुरंत लगा। Happy birthday to me, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. एक मिनट, ये हमारी सालगिरह नहीं है, ये हम तीनों की दोस्ती की सालगिरह है और ये हमारे बादशाहत का एक छोटा सा नमूना है जिसमें हम तीनों बैठ के हुकूमत करेंगे। भाई सुल्तान तो अपने वादे पर हमेशा कायम है और कायम रहेगा। विश्व मोहन भी अपने करार से कभी पीछे नहीं हटेगा जब तक कि सामने वाला पीछे न हट जाए। आज के शुभ अवसर पर हम एक नए बिजनेस की शुरुआत करेंगे जिसमें हमें विदेशी ताकत की जरूरत पड़ेगी और उसमें हमें सुल्तान मदद करेगा। अरे सुल्तान तो हमेशा मदद करने को तैयार रहता है, बशर्ते उसमें मुनाफा हो। हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ अस। Happy birthday to everyone. Happy birthday to all of you. Happy birthday to us. Happy birthday to our friendship. Happy birthday to you. Happy birthday to everyone. Yeah.
रुकावट सिंह कभी भी ऐसे काम में रुकावट ना ही डालता जिसके अंदर मुनाफा हो, और ये काम के अंदर मुनाफा ही मुनाफा है। अब ध्यान से सुनो, हमारे एक आदमी मिसाइल टेक्नोलॉजी की फ्लॉपी की चोरी करेगा और उस फ्लॉपी को आपको किसी विदेशी मुल्क को बेचना है। भाई वाह भाई, यह सौदा तो बड़ा मुनाफे का है, और इस सौदे को तो मैं कभी भी करा सकता हूँ। लेकिन इस डीलिंग में हम कहाँ फिट बैठते हैं भाई? कर लो बात। अरे आप तो ऑटोमेटिकली फिट हो गए, क्योंकि जो आपका भतीजा है ना, जिसका रिश्ता डॉक्टर रमन की साली के साथ होने वाला है। हा? और डॉक्टर रमन की जो साली है ना, वो मिसाइल टेक्नोलॉजी की हेड है। लेकिन इस काम के लिए आपको अपने भतीजे को तैयार करना होगा। ओ, तो समझो काम हो गया। माशाल्लाह। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, कितना भागेगी तू? आज तेरे शहर में कोई नहीं बचाएगा। भाई साहब, अरे भाई साहब वो होंगे जो आपके पीछे हैं। वैसे मैं शहर में ना हूँ और इतनी जल्दी कोई रिश्ता स्वीकार नहीं करता। अच्छा मैडम, आप मुझे पुलिस स्टेशन का रास्ता बता सकते हैं? अरे मैं भाई साहब, आपको चोट तो नहीं आई? अच्छा आपकी बहन भाग क्यों रही है? नहीं नहीं, जाने दीजिए। देखिए मैं शहर में ना हूं, आप बता सकते हैं पुलिस स्टेशन कहाँ है? अरे सुनिए, प्लीज मुझे बचा लीजिए, वो गुंडा मेरे पीछे पड़ा है। अरे मैम साहब, लगता है ये दोनों एक ही जगह गोल गोल घूम रहे हैं। अरे 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 भाई साहब, आप तो फिर से गिर गए। जाने दीजिए। अच्छा भाई साहब ये बताइए, आपकी बहन आपको गुंडा क्यों बोल रही है? अरे बाप रे, अरे आप तो सचमुच के गुंडे। गुंडा जी, आप अपना काम करते रहिए, लेकिन जाने से पहले इतना बता दीजिए कि पुलिस स्टेशन कहाँ है, आपको तो जरूर मालूम होगा ना। अरे भाई भाई साहब, लगता है ये शहर ही गड़बड़ है। गुंडा जी, देखिए आपको जो कुछ करना कीजिए, लेकिन काइंडली मुझे पुलिस स्टेशन का रास्ता बता दीजिए, है ना? अरे मैडम, ओ मैडम, बंद कर दो इस हवालात में। कौन हो भाई, किसे ले आए हो आधी रात को यहाँ बंद करवाने के लिए? अहमद भाई, आपने क्या हाल बना रखा है? लेते क्यों नहीं है? अरे बोलो भाई है? इनको जो कुछ भी लेना था ले चुके हैं, थप्पड़ घुसा लात, सिर्फ हवालात बची है। बंद कर दो इस हवालात में। आप जानते नहीं ने? ये सुल्तान भाई के छोटे भाई है, छोड़ दो छोड़ दो। लो छोड़ दिया, अब तुम ही इसे उठाओ और बंद कर दो। बंद कर दो बंद कर दो, तब से तुम ऐसे चला रहे हो जैसे तुम यहाँ के थानेदार हो। काफी समझदार हो। मैं यहाँ का नया थानेदार हूँ, प्रशांत वर्मा। जय हिंद। मेरा नाम असीम शाह है सर। और मेरा नाम संतोष जैन। आइए सर। ये कैसा शहर है मिश्रा जी, किसी को भी पुलिस स्टेशन का पता पूछो तो भाग जाता है। एक मिला वो भी न्यायाधीश शरीफ आदमी सर, आप खामखा इसे पकड़ लाए सर। ये शरीफ आदमी तो इसका बाप इससे भी ज्यादा शरीफ होगा। जी क्या नाम है तुम्हारा इंस्पेक्टर? राजेश खन्ना। इनके बाप का? सुल्तान भाई, जिसके नाम से सारा मंत्रिमंडल कांपता है सर। अच्छा अच्छा,
इस राज्य के चीफ मिनिस्टर का नाम सुल्तान भाई है। जी नहीं सर, चीफ मिनिस्टर भी उसका कहा नहीं टाल सकते सर, इसलिए उसे जल्दी छोड़ दीजिए, वरना सुबह होते होते थाने के सारा मंत्रिमंडल आ जाएगा, है ना? जी। इस बात को तुम छोड़ दो, पहले मेरे रहने का और पीने का, पीने का मतलब समझते हो ना? जी सर। इसका इंतजाम करो, फिर इस शरीफ जादे की शराफत और मौके की नजाकत का हम पता लगा लेंगे। सर आपका तो खून बह रहा है। आपके इस शरीफ जादे ने चाकू मारा है, खून तो बहेगा ही। डॉक्टर को बुलाऊं सर? कोई जरूरत नहीं, अभी तक ऊपर वाले ने ऐसा चाकू नहीं बनाया जो प्रशांत वर्मा को इस तरह घायल कर दे कि उसे डॉक्टर के पास जाना पड़े, समझे? ऊपर बेडरूम है, आप कपड़े बदल लीजिए, तब तक मैं आपके खाने पीने का इंतजाम करता हूं। अरे नहीं मिश्रा जी, रात बहुत हो गई है, दुकान कहां खुली होगी? शायद मेरे बॉक्स में थोड़ी सी पड़ी हुई है, काम चला लूंगा। सर आप चिंता मत कीजिए, हमारे खन्ना साहब के पास स्टॉक फुल रहता है, अभी गया और अभी वापस आया। अरे ये क्या मिश्रा जी, दवाई लेकर आए हैं, इसकी क्या जरूरत थी? अरे ऐसे छोटे मोटे जख्म लगते रहते हैं, मैंने कभी दवाई नहीं लगाई, मेरे लिए यही दवाई है। पर सर आपने तो अभी तक जख्म धोया भी नहीं। अरे धुल जाएगा धुल जाएगा, पहले पेट का इलाज बाद में जख्म का इलाज। चलिए। चलिए, इसका पेट भी भर गया, मतलब सुबह तक ये जख्म ना दारत। चलिए मिश्रा जी आइए पीजिए। नहीं नहीं सर, मैं नहीं पीता। मिश्रा जी खड़े खड़े सफेद झूठ तो मत बोलिए, पहली नजर में ही मैं आदमी को पहचान जाता हूँ कि वो सीधा सरल है या खतरनाक, मतलब जो पीता है वो सीधा सरल आपकी तरह, और जो नहीं पीता है वो खतरनाक। आइए बैठिए और पीजिए, और ये बताइए कि यहाँ कौन कौन से ऑफिसर खतरनाक है, यानी कि कड़क है, जो नहीं पीता और दूसरे को जीने नहीं देता, हमें उन लोगों से बहुत डर लगता है। डरिए मत सर, यहाँ सब पीते हैं, जो पीना नहीं जानते थे वो पीना सीख गए, जिसने पीना नहीं सीखा वो जी नहीं पाया, चला गया, बहुत दूर बहुत दूर। इसका मतलब इस हमाम में सभी नंगे हैं, मतलब ये नंगों का हमाम है। नाम अमरीश है, मैं मनोहर कारपेट प्राइवेट लिमिटेड का मालिक हूं। ये कोई मुन्नी भाई का कोठा नहीं जो सर उठाया और चल दिए, पहले हवलदार के पास जाइए, जरूरत पड़े तो यहां आइएगा। ये थानेदार तो बड़ा कमाल का आदमी है। सुनिए, जब आ ही गए हैं तो क्या प्रॉब्लम है बताइए। बैठने से पहले इजाजत लेनी पड़ती है। सॉरी सर, क्या आप मैं बैठ सकता हूं? अब बताइए, मनोहर कारपेट के गोदाम में आग लग गई है, किसी ने आपका माल चोरी कर लिया या आपकी बीवी किसी के साथ भाग गई है? बहुत कड़क है। दरअसल मेरी बीवी एक स्कूल टीचर है और सुल्तान भाई के पोते अजीज को पढ़ाने जाती है। जब वो कल गई तो अचानक कुत्ता भौंकने लग गया, अपने आप को बचाने के लिए उसने छतरी खोल ली तो कुत्ते की आंख फूट गई, उससे सुल्तान भाई ने गुस्से में आकर मेरी बीवी की आंख फोड़ दी। साला बेवकूफ, आपको नहीं सुल्तान को कह रहा हूं, आप जाइए और रिपोर्ट लिखवा दीजिए, आगे की मैं सोचूंगा। थैंक यू सर। इंस्पेक्टर साहब, वो बड़े साहब ने बोला रिपोर्ट लिखने के लिए। लिख दो। नाम? जी अमरीश। मिश्रा जी। यस सर। छोटे साहबजादे को निकालिए, उसके बाप से मिलना है। सर अभी वो सो रहा है। ससुराल है क्या? उठाओ साले को, जीप निकालो। सर।
चलो संतोष। यस यस सर, मैं भी चलूं? नहीं, अब भले लोगों की लिस्ट बनाइए, मैं गया और आया। सर भले लोगों की लिस्ट तो नहीं है, क्रिमिनल्स भी कम हैं, क्योंकि क्राइम बहुत कम होता है सर। मैं उन्हीं क्रिमिनल्स की बात कर रहा हूं जिन्हें आप भले आदमी कहते हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। समझ गए या समझा दूं? समझ गया सर, समझ गया। और सुनो। यस सर। मुझे इंस्पेक्टर दुर्गा की जलने की रिपोर्ट चाहिए, वो कैसे पुलिस स्टेशन के सामने जल मारी थी। उस वक्त तुम यहीं थे ना? यस सर। उसने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली थी। ये आत्महत्या सर, सुना है उसके होने वाले पति ने शादी करने से इनकार कर दिया, इसलिए सर। मैंने तुम्हें रिपोर्ट निकाल कर रखने को कहा है, सुनाने को नहीं, समझे? यस सर। कुर्सी खाली है इंस्पेक्टर, बैठ जाओ। अपने साथ बैठने की ऑफर देने से पहले अपनी औकात तो देख लिया होता। शेर हमेशा शेरों के साथ बैठा करता है। सुल्तान से कहो कि इंस्पेक्टर प्रशांत वर्मा आया है और साथ उनके साहबजादे भी। मिश्रा, वाह बरकुरदार वाह, इंस्पेक्टर साहब के आते ही इनसे दोस्ती भी कर ली, बड़ा काबिल बच्चा है मेरा। भाई रात भर कहां रहे? हवालात में। और कितना होनहार है, हम अपनी आंखों से देख चुके हैं। अपने साहबजादे को समझाइए कि चूहे बिल्ली का खेल अपने घर में खेला करें। इंस्पेक्टर साहब आप तो नाराज लगते हैं, भाई इस बंदे को मेहमान नवाजी का मौका तो दें। भाई खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है, कुछ इंतजाम इंतजाम करो। आइए तशरीफ रखें, क्या लेंगे, ठंडा या गर्म? मैं आपके यहाँ मेहमान बनने के लिए नहीं आया, आपके खिलाफ मेरे पास रिपोर्ट है अमरीश की, और मेरा सिद्धांत है कि मैं हर रिपोर्ट पर एक्शन लेता हूँ। कुछ मुआवजा अमरीश को भेज दीजिए, वरना मजबूरन आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। भाई इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिलहाल तो आप जो मुनासिब समझें। मुआवजा हम 5,000 रुपए भिजवा देंगे। 5 नहीं 50,000। ठीक है, फिलहाल तो आप ये बताएं आपकी क्या खातिर की जाए। जरा इसे समझा दीजिए कि इस नाचीस का खून बहुत कीमती है, बहुत सस्ते में छूट रहा है आपका बेटा। आप वही है ना जो रात को भाग रही थी और आपके पीछे गुंडा, जिसने आपको चाकू मार दिया था और आप डर कर भाग गई थी। अब भी कमाल लड़की है, पहली बार मुलाकात हुई तो गुंडा भाग रहा था, दूसरी बार कार, तीसरी बार पता नहीं कैसे मुलाकात होगी। वैसे आप? मैं मिली, इन बच्चों को पढ़ाती हूँ। और मैं इंस्पेक्टर प्रशांत वर्मा, यहाँ का थानेदार। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप वक्त पर पहुंच गए और इस बच्चे की जान बचा ली, वरना अनर्थ हो जाता। अनर्थ तो तब होगा मैडम जब वो गाड़ी वाला मुझे मिल जाएगा। मैंने गाड़ी का नंबर नोट कर लिया है, अब वो बच नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अगेन, बाय। चलो बेटा। 140 140 140, सभी गाड़ियों का नंबर एक ही है, 140, और मालिक भी एक है। झोलझाल है मिश्रा जी? यस सर, ये सारी गाड़ियां रुकावट सिंह की है। रुकावट सिंह? हमारा नाम है रुकावट सिंह, और जो भी हमारे रास्ते में रुकावट डालता है, हम उसकी सांसों में रुकावट डाल देते हैं।
और उसके लिए हमें कोनो खेद भी नहीं होता। समझ गए ना इंस्पेक्टर प्रशांत वर्मा? समझ गया। आपकी पैदाइश उस वक्त हुई थी जिस वक्त दूरदर्शन पर कोई भूत की फिल्म आ रही थी और स्क्रीन पर भूत आने की बजाय एक बोर्ड आया जिसमें लिखा था रुकावट के लिए खेद है। उस वक्त मैंने जन्म लिया। इसके लिए देश को खेद है। अच्छा ये बताइए, सिर्फ आपकी गाड़ी 140 की रफ्तार में चलती है या आपकी सभी गाड़ियां? हमारी सभी गाड़ियां 140 की रफ्तार में चलती हैं क्योंकि यहां पर हमारा राज चलता है। चलाइए चलाइए, 140 की रफ्तार में चलाइए। लेकिन और अगर किसी के हाथों किसी मासूम बच्चे का एक्सीडेंट हो गया तो मैं पैसा नहीं, मैं इंसाफ करूंगा। अरे चलो इसे डॉक्टर के पास ले चलो, इसका हाथ टूट गया है। अरे चलो जल्दी उठाओ। आदमी इंटेलिजेंट है, तुरंत समझ गया कि किसने बच्चे को उड़ाया है और कब इस बच्चे ने जन्म लिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह अल्लाह। लगता है साहब पी रहे हैं, पर आज तक प्रशांत बाबू ने किसी और की शराब नहीं पी, अपनी ही पीते हैं। आखिर इनके शराब में कौन सी खासियत है जरा देखें तो। अरे खाली बोतल में कोल्ड ड्रिंक, कहीं ये दुनिया को बेवकूफ तो नहीं बना रहे हैं? खुद नहीं पीते दूसरों को पिलाते हैं। काश ये सच हो तो शायद यहां का गुंडा राज खत्म हो जाए। मे आई कमिंग सर? कौन है? मिश्रा सर। आओ आओ अंदर आओ। सर आज स्टाफ के लोग बहुत खुश हैं, इसलिए आपके लिए स्पेशल ड्रिंक की व्यवस्था स्टाफ की ओर से है सर। मैं तो अपना कोटा खत्म कर चुका हूं मिश्रा जी। बैठिए बैठिए, आप पीजिए। पूछिए सर, आपके फैमिली वो कब आएंगे? मिश्रा जी वो लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं जिनका परिवार भरा पूरा होता है। मेरी फैमिली में सिर्फ मैं ही हूं, यूं समझ लीजिए कि मुझसे शुरू और मुझ पर ही खत्म। सर आपने शादी नहीं की या किसी लड़की से रोमांस? ये शादी रोमांस सब बकवास चीज है। इंसान को हमेशा मस्ती की जिंदगी जीनी चाहिए, इसलिए पीजिए।
खुशियों को छीन लेना, खुशियों को छीन लेना, टूटे हुए दिलों को मैं दूंगा हर खुशी, टूटे हुए दिलों को मैं दूंगा हर खुशी, जीना है यार मुझको मस्ती की जिंदगी, बेकार की है बातें ये इश्क आशिकी, जीना है यार मुझको मस्ती की जिंदगी, बेकार की है बातें। तो मिश्रा जी ये बताइए कि दुर्गा का कत्ल कैसे हुआ था? कत्ल सर, वो तो जलकर। हमें इतना भोला मत समझिए, सच बता ही दीजिए, अब हमसे क्या छुपाना? सर, खन्ना साहब को रिपोर्ट लिखाने के लिए उस रात एक औरत थाने में आई थी, उस वक्त मैं भी थाने में मौजूद था। तो मिल जाएगा ना? हाँ हाँ जरूर, पर क्या क्या माल चोरी हुआ है? टीवी सेट, गहने, हार, कंगन और चूड़ियाँ भी। हाँ हाँ, लेकिन आपको कैसे मालूम? चोर पकड़ा गया है ना, सारा माल खन्ना साहब के घर पर है, जाकर पूरा माल वसूल कर लो और आकर रसीद दे देना। बहुत बहुत धन्यवाद हवालदार साहब, लेकिन उनका घर कहाँ है? पीछे है। संतोष जी जरा घर दिखा दो। यस आइए। बेचारे कम इन, आओ आओ रूपमती, तुम्हारा सारा सामान सही सलामत रखा है, देख लो कुछ कम तो नहीं है। हाँ पूरा है सारा सामान, सुबह अपने साथ ले जाना। सुबह क्यों, अभी क्यों नहीं? क्योंकि आज तुम हमारे मेहमान हो, ये लो थोड़ी सी तुम भी ले लो, शर्म खुल जाएगी। अब समझी चोरी का सारा माल थाने कैसे आ गया? चोर तू है इंस्पेक्टर, जो मेरी इज्जत चुराना चाहता है। रूपमती बड़े होशियार निकली तू तो, मैंने कालू को तेरे घर चोरी करने भेजा था क्योंकि मेरी नजर तुझ पे बहुत दिनों से टिकी थी। मैं तेरी इज्जत चुराने नहीं बढ़ाने आया हूँ, मैं तुझे अपनी रानी बना के रखूंगा। करम जले तू, राम के भेष में रावण है, ये मैं सारी दुनिया को बता दूंगी। बचाओ, तू किसी को कुछ नहीं बताएगी, चुपचाप मेरी बात मान। चल कौन है तू? शराब और अय्याशी ने तेरी आंखों में सुअर का बाल पैदा कर दिया है, इसीलिए तू अपनी मौत पहचानने से इनकार कर रहा है। अपनी आंखों का गुरूर हटा और गौर से देख, तेरे सामने इंस्पेक्टर दुर्गा खड़ी है, जो इस थाने की नई थानेदार है। ओ, कमिश्नर साहब ने भेड़ियों के बीच भेड़ को भेजा है? नहीं, कमिश्नर साहब ने शेरनी को भेजा है यहाँ का गुंडा राज खत्म करने के लिए। ऐवानियत का ऐसा नंगा नाच ना किसी ने सुना होगा ना किसी ने देखा होगा, जो तुम लोगों ने यहाँ कायम किया है। तुम लोग सब एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर किसी ने कानून का मजाक उड़ाने की कोशिश की तो मैं उसे मारने के लिए कानून का सहारा नहीं लूंगी, बल्कि उसे खुद सजा दूंगी। इज इट क्लियर? मिश्रा जी, जी इन्हें इनके घर पहुंचाइए और चोरी का सामान भी। यस मैडम, चलिए। तुम अपना इलाज करवाने डॉक्टर के पास जाओ, मैं जानती हूं कि तुम डॉक्टर के यहां से सीधा अपने आका से मिलने जरूर जाओगे, जिसका सारा का सारा हराम का माल खा खा कर तुम इतने हो गए हो। तुम उसे ये समझा देना कि आज के बाद इस इलाके से उसका दाना पानी उठ गया है, अगर कोई भी नाग अपने बिल से बाहर आया तो मैं उसका फन कुचलने में एक मिनट बर्बाद नहीं करूंगी। नाउ गेट लॉस्ट। अबे ओ खन्ना, हमेशा खाता रहता गन्ना, एक औरत से ऐसे कुत्ते की तरह मार खा के आ गया? वो औरत नहीं साहब, साक्षात ज्वालामुखी है, घायल शेरनी से भी ज्यादा खतरनाक है वो। मेरी आपसे बेनती साहब, मेरा ट्रांसफर कहीं और करवा दीजिए,
मैं नामर्द की तरह वापस नहीं जा सकता वहां। लगता बेचारा को ज्यादा ही पिट कर आया है। अरे ओ खन्ना, तेरे मुंह को शर्म आया है कि नहीं? एक तो औरत से पिट कर आ गया, अब बदला लेने के बजाय मैदान छोड़ने की बात कर रहा है। ए, ये मत भूल कि उस पुलिस स्टेशन के अंदर तो हमारा आदमी हमारा आदमी की मार हमार हार है। अच्छा खन्ना, ये बता कि वो औरत दिखने में कैसी है? बहुत खूबसूरत है साहब, रेखा की तरह लगती है वो। तो फिर हम उसे ऐसी सजा देंगे कि वो सारी जिंदगी नहीं भूल पाएगी। जिस पर लगी हुई चोट तो इलाज से ठीक हो जाती है और तुम्हारी भी हो जाएगी, लेकिन आत्मा पर लगी हुई चोट मरते दम तक उसे खून के आंसू रुलाएगी। विश्व मोहन जी, समुंदर की गहराई को तो नापा जा सकता है, लेकिन औरत के चरित्र की गहराई को कभी नापा नहीं जा सकता। पहले हम देखेंगे कि वो रुकावट सिंह के रास्ते में कितना रुकावट डाल सकती है, उसके बाद हम फैसला करेंगे कि हम उसकी सांसों में रुकावट डालें या ना ही। हमारे एक बात गांठ बांध के रख लियो कि औरत से मार खाया हुआ मर्द हंसते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, वो बिल्कुल बेवकूफ लगता है। एक बात और हमार सुन ले, ये जो घाव है ना तुहार पर, इका ताजा रखना, फ्रेश, बहुत फ्रेश रखना। उका वास्ते हम ठंडा ठंडा मदिरा तुम पर डाले हैं। चेक इट आउट। गाड़ी कहाँ रुके, उस गाड़ी का मैं ड्राइवर, देखो गाड़ी कहाँ रुके। स्टेशन है सिंधिया, जिसकी चमक से उड़ी निंदिया, चैन गया है करा, मुझको उस पे आया है प्यार। दूसरा स्टेशन उसके मूड, घायल हुआ मैं खाके चोट, बंद होठों में मीठी गजल, होठ खुले तो खिले कमल। उस गाड़ी का मैं ड्राइवर, देखो गाड़ी का कहाँ रुके, गाड़ी का मैं ड्राइवर, देखो गाड़ी का कहाँ रुके। जी अमालिया, जी अमालिया, स्टेशन पे आई बाहर, जिसके लिए था दिया बेकरार, देख के आहें भरता हूँ, ना जीता ना मरता। रूपनगर की वो चाबी, जीवन की वो सवारी है, सच कह दूं वो हमारी है। उस गाड़ी का मैं ड्राइवर, देखो गाड़ी का कहाँ रुके, उस गाड़ी का मैं ड्राइवर, देखो गाड़ी का कहाँ रुके। अमालिया, जी अमालिया, जी अमालिया, जी अमालिया।
जो आखिरी स्टेशन है, सबसे बड़ा ये टेंशन है, कोई हंसता कोई रोता यहाँ, कोई जागे कोई सोता यहाँ। मिलते हैं जब लैन यहाँ, आता सबको चैन यहाँ, समझ गए वो खिलाड़ी है, ना समझे वो अनाड़ी है। उस गाड़ी का मैं ड्राइवर, देखो गाड़ी का कहाँ रुके, उस गाड़ी का मैं ड्राइवर, देखो गाड़ी का कहाँ रुके, उस गाड़ी का मैं ड्राइवर, देखो गाड़ी का कहाँ रुके, उस गाड़ी का मैं ड्राइवर, देखो गाड़ी का कहाँ रुके। मन, प्यार की गाड़ी तो हम भी चलाएंगे। अब शकुन तो बिल्ली के रास्ता काटने से होता है, पर बिल्ली के रास्ता काटने से शगुन ही शगुन होता है, और बिल्ली को सुकून मिलता मेरी जान। बिल्ली, तू अभी तक सिर्फ बिल्लियों के पीछे घूमा है, शेरनी से तेरा वास्ता नहीं पड़ा। अगर दोबारा मेरे रास्ते में आया तो वो दिन तेरे बाप के लिए अपशकुन का दिन होगा, क्योंकि जवान बेटे की मौत से बड़ा और कोई अपशकुन एक बाप के लिए नहीं होता। समझा कमीने? और अब वापस मत मिलना। चोट तो नहीं लगी? किसी से कहना नहीं। क्या हाल है झांसी की रानी का? सुना है रुकावट सिंह और विश्व मोहन के बारे में अखबार में छपाना चाहती हो, यही है ना तेरी रिपोर्ट? शायद तुझे पता नहीं कि एडिटर साहब अखबार में छापने से पहले सेंसर करवाने हमारे पास ही भेजते हैं। संदीप, गजब हो गया। क्या हुआ? वंदना को सुल्तान का आदमी लाला खान ने पकड़ लिया है। क्या? तुम उसे बचाओ, मैं फोर्स लेकर आता हूँ। वाह लाला वाह, प्यार की गाड़ी चलाने का वक्त आ गया है। शिकार पहले तुम करोगे या हम? लाला खान का शिकार करने के बाद कोई दूसरा शिकार कर ही नहीं सकता। इसलिए पहले तुम ही जोर आजमाइश कर लो। बहुत थप्पड़ मारा था उस दिन। हाँ, बहुत कम है लौंडे में, कोई बीच में मत आना, मुकाबला सिर्फ एक और एक का होगा। मैडम जल्दी कीजिए, किसी का इज्जत का सवाल है। क्या हुआ? लाला के आदमी ने वंदना को पकड़ लिया है, सरेआम सड़क पर उसकी इज्जत टूट जाएगी। जल्दी कीजिए मैडम। ड्राइवर जीप निकालो। रोज नामचे में एंट्री तो कर देती मैडम, वैसे भी लाला से टकराना अपनी मौत को दावत देना है। मौत तो सिर्फ एक बार आती है खन्ना, पर तुम्हारे जैसे बुजदिल हर रोज मरते हैं। मोहन भाई, लाला की जान खतरे में है, दुर्गा उसे मार डालेगी। अरे दुर्गा ने मेरे भतीजे को पकड़ लिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसे मार देगी? हाँ, लाला शमशेर सिंह मेरे भतीजे का नाम है, और उसके साथ 10 गुंडे भी हैं। आज वो दुर्गा को किसी भी कीमत पर खत्म कर देगा। और ये बताओ, इस हत्या का इल्जाम तुम किसके सर पे दोगे? और जल्द से जल्द दुर्गा की लाश जलाने का इंतजाम कर दो। हाँ
कौन है वो जिसने हमें अपने भतीजे से जुदा किया है? कौन है वो गद्दार जिसने अपनी मौत को दावत दी है? बोलो! मैंने तो आपको पहले ही फोन पर बता दिया था। तो क्या लाला लौंडिया के हाथों मारा गया? नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। दुर्गा ने किसी को मौका नहीं दिया लाला को बचाने के लिए, इसलिए संदीप उसे मारने में कामयाब हो गया। कौन है संदीप? उसे पकड़कर मेरे सामने लाओ। उसके लहू से स्नान करने के बाद ही मुझे चैन मिलेगा। जाओ उसे तलाश करो, पाताल से भी ढूंढ निकालो उसे। जाओ! ये लो गाड़ी की चाबी और पैसे, और दूर भाग जाओ। विश्व मोहन के कहर से पूरा शहर जल जाएगा। पेट्रोल भरा है, जहाँ भी पेट्रोल खत्म हो जाए वहाँ गाड़ी रोक कर दूसरी सवारी कर लेना। चलो चलो चलो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी चलो। भगवान तुम दोनों को विश्व मोहन के कहर से बचाए। सारा शहर छान मारा, संदीप का कहीं पता नहीं चला। या तो उसे जमीन खा गई या उसे आसमान निकल गया। लगता सारा लौंडिया को लेके कहीं शहर से भाग गया। शहर छोड़ दिया है तो दुनिया भी छोड़ देंगे। सिर्फ हम लोगों को उनका पता लगने की देर है, लेकिन इससे पहले इंस्पेक्टर दुर्गा का हिसाब चुकता करना है। उसका तो पता भी मालूम है और ठिकाना भी। यस सर। तुम्हें याद है ना इंस्पेक्टर, उसने तुम्हें किस कदर पीटा था? हाँ, ये जख्म अभी तक हरा है, इस पर मैंने अभी तक मलहम नहीं लगाई। तो अब लगा लेना, इंस्पेक्टर दुर्गा की मौत के बाद। और सुनो, गुड नाइट मैडम। गुड नाइट मैडम। रुक जाओ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर गोली मत चलाना वरना आग लग जाएगी। आज तेरी मौत निश्चित है इंस्पेक्टर। मौत तो हर एक को आती है विश्व मोहन, और हर इंसान ये जानता है कि अगर कोई मुसलमान या ईसाई होता है तो उसे कब्र में दफन किया जाता है, और अगर वो हिंदू होता है तो उसे चिता पर जलाकर विदा किया जाता है। चिंता तो तुम जैसे नाली के कीड़ों को होती है, जिनके नसीब में ना चिता होती है ना कब्र, जो सिर्फ गटर की नाली में जन्म लेते हैं और वहीं दम तोड़ देते हैं। मैं अगर मरी तो तू भी जिंदा नहीं रहेगा कायर। गोलियां यहां है दुर्गा, ये जख्म अभी तक हरा है। कुत्ते हमेशा मालिक के वफादार होते हैं, और अगर पालतू कुत्ता हो तो मालिक के तलवे चाटकर उसकी वफादारी का सबूत देता रहता है। इस तरह अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो और इस मौत के घेरे से बाहर आना चाहती हो तो हमारी बात मान लो, हम तुम्हारी जिंदगी बख्श देंगे। हम अपने भतीजे की मौत का बदला लेना भी छोड़ देंगे, हाँ, वरना। और सब कुछ खत्म हो गया सर। कलयुग में दुखा का वध महिषासुर ने कर दिया। मिश्रा जी, मैं संदीप से मिलना चाहता हूं। आप जब कहें सर। गाने लगी ठंडी हवा है, भीगा समा
बारिश की बूंदें गुनगुनाने लगी, तेरी जवानी मुझे भाने लगी। ओ बारिश की बूंदें गुनगुनाने लगी, तेरी जवानी मुझे भाने लगी। चाह जगी है, आग लगी है, होठों पे मेरे प्यास बड़ी है, आपस आ जाने जा। काली घटाएं देखो छाने लगी, तेरी जवानी मुझे भाने लगी। होने लगा है दिल बेकाबू, बस में न मन है, बस में न तन है, मुझको ये क्या हो गया। काली घटाएं देखो छाने लगी, भर से ये पानी रुत गाने लगी। ओ बारिश की बूंदें गुनगुनाने लगी, तेरी जवानी मुझे भाने लगी। पी लूं जी ये चाहे, बाहों से खेलूं जी ये चाहे, मुझको लुभाए तेरी अदाएं, कैसा हुआ ये नशा। तेरे लिए है गोरी बाहें, तेरे लिए है ये अदाएं, अपना बना ले ये मस्ती चुरा ले, दिल को नहीं अब जलाऊं। बारिश की बूंदें गुनगुनाने लगी, तेरी जवानी मुझे भाने लगी। काली घटाएं देखो छाने लगी, बरसे ये पानी रुत गाने लगी। ओ बारिश की बूंदें गुनगुनाने लगी, तेरी जवानी मुझे भाने लगी। बारिश की बूंदें गुनगुनाने लगी, बरसे ये पानी रुत गाने लगी। आपके हाथ इतने काम क्यों रहे हैं? छोटे, रुकावट सिंह की जिंदगी में इतनी बड़ी रुकावट कभी नहीं आई। क्या हुआ? किसी ने हमारा 5 करोड़ कैश लूट लिया है, और अगर वो कैश पार्टी तक सही वक्त पर नहीं पहुंचा तो समझो हमारी नाक कट जाएगी। तो हम कुछ दिनों की मोहलत और ले लेंगे ना भैया? ना ही छोटे, ना ही। ये 2 नंबर का धंधा है, इनमें और दिन की मोहलत ना ही मांगी जाती। हमें कैसे भी वो 5 करोड़ का बंदोबस्त करना होगा जिसने माल लूटा है। वो हराम खोर को तो मैं जिंदा ना ही छोड़ूंगा। I shall kill him। रुकावट सिंह का माल लूटकर किसी ने शक की सुई हम लोगों की तरफ कर दिया है। रुकावट कान का बहुत कच्चा आदमी है, अगर ऐसा हुआ है तो बहुत बुरा हुआ है। मामा,
अपने आदमियों से कह दो कि तैयार हो जाएं। जंग कभी भी छिड़ सकती है। हमें सुल्तान से भी बात करनी होगी। अगर वो हमारे साथ मिल जाए तो। भांजे, रुकावट सिंह के खिलाफ सुल्तान कभी भी साथ नहीं देगा, ये बिल्कुल नामुमकिन है। हाँ, शत्रुन के विसात पे कौन सा मोहरा कब काम आएगा ये कोई नहीं जानता। हाँ, हो सकता है जिस प्यादे ने इस कारनामे को अंजाम दिया है वो हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता हूँ। हमें उसके फोन का इंतजार है। मामा तुम तैयारी शुरू कर दो। हाँ? भैया, इस 5 करोड़ की लूट में कहीं सुल्तान और विष्णु मोहन का तो हाथ नहीं है? नहीं छोड़े, ऐसा कुछ नहीं है। उन दोनों ने अपने धंधे की मुझसे कसम खाई है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन कोई तो है जो हमारी ताकत, हमारे निजाम, हमारे अस्तित्व को चैलेंज कर रहा है। भैया आप चिंता नहीं ना करिए, हमने अपने आदमी लगा रखे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि हमारे इलाके में जहां हमारे इशारे के बिना पत्ता नहीं हिलता था, आज किसी ने पूरा दरख्त उखाड़ के फेंक दिया है। हेलो, मैं वो इंसान हूँ जिसने आपके निजाम में जोखिम भरा कारनामा अंजाम दिया है। ओ, तो तुम हो जिसने हमारा 5 करोड़ कैश में लूटा है। ये रुपए तो मैं आपको नजराने में देना चाहता हूँ। कितना अजीब आदमी है, पहले हमारा माल लूटता है उसके बाद वही माल हमको नजराने में देना चाहता है। मैं आपका गुलाम बनना चाहता हूँ। अगर हम इनकार कर दें तो आप अपना नुकसान करेंगे। अगर आपने मेरा कहना नहीं माना तो मैं विश्व मोहन या सुल्तान से बात करूंगा। अगर वो भी इनकार कर दें तो मुंबई में एक और निजाम बढ़ जाएगा जिसकी बादशाहत का सहरा मेरे सिर होगा। क्या बात है, क्या बात है, दम है, दम है। हमें काम करते हैं, 1 हफ्ते का टाइम रख लेते हैं। आज रविवार है, अगले रविवार तक अगर हमारे आदमी तुमको नहीं पकड़े तो हम तुम्हारे साथ मीटिंग करेंगे, मुलाकात करेंगे। ठीक है? ओके। क्या हुआ सुल्तान भाई, क्या रुकावट सिंह को यह शक है कि उनका जो माल लूटा गया है उस लूट में हमारा हाथ है? नहीं, वो ये चाहता है कि रॉबरी करने वाला जब हमसे पनाह मांगे तो हम उसे पकड़कर उसके हवाले कर दें। ओ, पर वो हमसे पनाह मांगेगा क्यों? वो इसलिए कि रुकावट के आदमी उस लुटेरे को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में वो हमारे या विश्व के इलाके में छुप सकता है। तुम एक काम करो, विश्व को फोन लगाओ। जी। हेलो विश्व मोहन जी। हाँ, बोल रहा हूँ। हाँ, सुल्तान भाई से बात कीजिए। हेलो। हाँ सुल्तान भाई, कहिए, कैसे याद किया? भाई, रुकावट सिंह ने अपने इलाके में सेंग लगाने वाले चूहे को, पनाह देने वाले को सजाए मौत मुकर्रर की है। मुझे वो चूहा शेर नजर आता है। जो आदमी चोरी करके सीना चोरी पर उतारू हो जाए वो चूहा हो ही नहीं सकता। क्या मतलब? चौगो मत सुल्तान, जिस तरह तुम्हारे खबरी ने तुम्हें खबर दी है उसी तरह हमारे खबरी ने भी हमें खबर दी है कि उस अनजान आदमी ने रुकावट सिंह को 1 हफ्ते का मौका दिया है अपनी गैंग में शामिल करने का, या फिर वो अनजान आदमी खुद 1 हफ्ते के बाद अपनी बादशाहियत का ऐलान कर देगा। हाँ, और इस काम के लिए उसे भारी कंधों की जरूरत पड़ेगी। और वो कंधा तुम्हारा होगा? हाँ, नहीं, वो मेरा या तुम्हारा हो सकता है, ऐसा रुकावट सिंह का सोचना है। तुम्हारा क्या इरादा है? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काच, संत कह गए सबके दाता राम। ओके। अरे आप, आज तो आपके पीछे कोई नहीं है, ना गुंडा ना गाड़ी, कमाल की लड़की हैं आप। आइए बैठिए। आप भी तो कमाल के इंसान हैं, कभी शराबी नजर आते हैं तो कभी चाबाज खिलाड़ी, और आज तो मैंने आपका नया ही रूप देखा है। मैं कुछ समझा नहीं। मिश्रा जी आज स्कूल में आए थे 1 लाख रुपए गरीब बच्चों को दान में देने के लिए।
बात पूछने पर उन्होंने बताया कि वो पैसे आपने भेजे हैं। ये मिश्रा जी भी कमाल के आदमी हैं, जो नहीं कहना था वही कहकर आ गए। वैसे रुपए मेरे नहीं हैं, आप एक सच्चे इंसान हैं इसलिए बता रहा हूं। ये पैसे पाप की कमाई के हैं। पर पुण्य के काम में लग रहे हैं, इसलिए इसे दान देने वाला तो पापी हो ही नहीं सकता। आपकी मर्जी, आप जैसा चाहें समझ सकती हैं। समझना तो मैं आपको चाहती हूँ। आपको देख के ऐसा लगता है जैसे किसी ज्वालामुखी में लावा उबल रहा हो। आप जरूर किसी मकसद को लेकर यहाँ आए हैं। ठीक समझा आपने, अब यह ज्वालामुखी फटने ही वाला है। आप एक स्कूल टीचर हैं, बच्चों को सच्चाई का पाठ पढ़ाती हैं, इसलिए आज मैं आपको सिर्फ सच सुनाऊंगा। मैं आई कम इन सर। वेलकम टाइगर, रादर आई सेल से वेलकम बंगाल टाइगर। बैठो बैठो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। तुम्हारा नाम प्रेसिडेंट मेडल के लिए रिकमेंड किया जा चुका है। आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम्हें स्पेशल ड्यूटी पर प्राइम मिनिस्टर हाउस में ट्रांसफर किया जा रहा है। सर मैं ट्रांसफर तो चाहता हूं लेकिन प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं, विराट पुलिस स्टेशन में। क्या तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तुम्हें प्रेसिडेंट मेडल मिलने वाला है, तुम्हारा प्रमोशन हो रहा है और तुम ऐसी जगह जाना चाहते हो जहां लोगों को डिमोशन करके भेजा जाता है। सर मेरा प्रमोशन, मेरा मेडल तो मेरी बहन थी। भैया चाय। मुझे ये चाय नहीं पीनी है। मगर भैया अभी तो आपने चाय मांगी थी। गलती हो गई, मैं भूल गया था कि मुझे अपनी बहना को विदा करना है और अभी से चाय खुद बनानी होगी। भैया मैं नहीं करती शादी। अरे रे रे रे, रो मत बहना। अरे हर एक भाई को एक ना एक दिन अपनी बहन को विदा करना ही पड़ता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो उसके हाथ की चाय पी ही नहीं सकता। और तू तो अच्छी तरह से जानती है मैं और किसी के हाथों चाय पी ही नहीं सकता। और जब भी मुझे चाय पीने की जरूरत पड़ेगी मैं तेरे घर आ जाऊंगा। अच्छा ये बता, तूने विशाल को ये तो बता दिया ना कि लंबे बाल कटेंगे नहीं वरना ये शादी कैंसिल। भैया इन्हीं लंबे बालों पर तो वो फीदा हैं, फीदा हैं। अरे हम पुलिस वालों का काम यही है, घुमा फिरा कर सच्चाई का पता लगा लेते। इसी बात पर चाय हो जा। क्या ये ट्रक तेरा है? हाँ इंस्पेक्टर साहब, इस इलाके के अंदर मैंने नया नया काम शुरू किया है और मुझे लगता है कि तुम भी इस इलाके में नए आए हो। मैं तुमको रुपया कमाने का एक नया रास्ता सिखाता हूँ। हाँ ये जो ब्रीफकेस है ना इंस्पेक्टर साहब, इसमें लाख रुपया कैश है, ये कैश ले लो और ट्रक को प्लीज जाने दो। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हर ट्रक के साथ मैं तुमको लाख रुपया कैश दूंगा। सिखाता मुझे। अच्छा मारा है, बहुत अच्छी लात मारी है, मैं इस लात को याद रखूंगा। चल हेलो। हेलो बहना। भैया नमस्ते, क्या हाल है? मैं सोच रहा हूँ चाय पीने तेरे घर आ जाऊं। अरे भैया लेकिन हम तो आगरा जा रहे हैं ताजमहल देखने और फिर ट्रेन का भी टाइम हो गया है। एक मिनट, भैया आ रही है चाय पीने। हेलो हाउ आर यू? ऑल द बेस्ट। वापसी कब? हाँ 28 तारीख को आ रहे हैं फिर। अरे इंस्पेक्टर भाई इतना छोटा सा हनीमून क्यों? काम बहुत पेंडिंग है यू नो, हम लोगों को छुट्टी कहाँ मिलती है, ये तो हनीमून के नाम पर। हम पुलिस वालों का यही हाल है। नो प्रॉब्लम, 28 तारीख को मिलता हूँ। ऑल द बेस्ट। या बाय, टेक केयर। चलो जल्दी करो। चलो मिस्टर विशाल द ग्रेट। रुकावट सिंह,
तुम और यहाँ क्या करे विशाल बाबू? उस दिन हम आपको शादी का तोहफा देने आए थे, आपने तोहफा लिया ही नहीं। आज हम आपका तोहफा देने नहीं आए हैं, बल्कि आपसे तोहफा लेने आए हैं। एक काम कीजिए, ये जो खूबसूरत सा गुलाब है ना, एक तोहफे के रूप में हमको दे दीजिए। लगता है उस दिन की मार को तो भूला नहीं है, चुपचाप वापस निकल जा वरना। बहुत बुरा किया बरखुदार, उस दिन का वाकई याद दिलाकर। भाई हम तो ये सोच रहे थे कि उस दिन की चोट के बदले तुम्हें जहनी तकलीफ देंगे, पर लगता है अब तुम्हें जिस्मानी तकलीफ भी देनी पड़ेगी। मारो इसको, तब तक मारो जब तक इसको इंस्पेक्टर बनने का आप सोच रहे हो। सुल्तान भाई आपके पास कैंची तो है ना? बिल्कुल। मेरे सीने में जल रही आग तब तक नहीं बुझेगी जब तक मैं एक एक गुनहगार को उसके आखिरी अंजाम तक नहीं पहुंचा दूं। इसलिए सर आपका यह सच्चा सिपाही अपनी सच्चाई का वास्ता देकर अपना डिमोशन चाहता है। परमिशन ग्रांटेड, मैं और पूरी पुलिस फोर्स तुम्हारे साथ है। गुड लक। इस लड़ाई में मैं भी आपका साथ देना चाहती हूँ, ताकि स्कूल में बच्चों को पढ़ाते वक्त उन्हें आपका उदाहरण दे सकूं, उन्हें ये बता सकूं कि आज भी इस दुनिया में आप जैसा बहादुर सिपाही मौजूद है। बस मिली जी, मैं भगवान नहीं बनना चाहता, अब तो सिर्फ एक ही मकसद है, मौका, समय और शिकार, बास की तरह। कमाल का चश्मा है ये। सिर्फ चश्मा ही कमाल का है या चश्मे वाली भी? चश्मे वाली का तो जवाब नहीं, ऊपर से नीचे तक कयामत, बिजली, क्या ये बिजली मुझ पे गिर सकती है? बिजली तो किसी ना किसी पर गिरेगी ही, पर तुम्हें जलने से डर नहीं लगता? परवाना तो जन्म जन्म से शमा से जलता आया है, पर वो डरकर फिर शमा के पास ना आया हो ये तो मैंने नहीं सुना। वेरी इंटरेस्टिंग, फिर तो ये बिजली आज तुम पर ही गिरेगी। तो देखे शमा आज परवाने को जलाती है
या फिर परवाना खुद आग में जलकर खाक हो जाता है। ऊपर ही मेरा सीट बुक है। तो फिर लिफ्ट कहाँ है? ऊपर लिफ्ट जल्दी पहुँचाती है, तो चले चलिए। अरे ये लिफ्ट नीचे क्यों जा रही है? मुझे लगता है किसी ने बेसमेंट का बटन दबा दिया होगा। यहाँ तो कोई नहीं है। लगता है लिफ्ट खराब हो गई है। सीढ़ी से चले। विशाल तुम यहाँ? पहचान तो इसे। दूध के दांत अभी टूटे नहीं और जवानी जोश मारने लगी। छोड़ दो मुझे। किसी ने सच कहा है कि नाक के बिल में फूल नहीं खिलते, सपोले जन्म लेते हैं। तुझ जैसा नाक जो बड़ा होकर अजगर बनेगा तो न जाने कितनी मासूम बहनों को डसेगा। उसका फन कुचल देने में ही समाज की भलाई है। मामा तो कलयुग में भी कंस नहीं बनेगा, जिंदगी भर भांजे की नौकरी करेगा। मेरी बात मान, खड़े शमशान के पीछे लूट का माल पड़ा हुआ है, उसे लूट ले और खुद का निजाम बना ले। और एक बात सुन, शमशान में भूत की तरह जाना और भूत की तरह माल लेकर वापस आना, और यह भूत का झोलझाल किसी को नहीं बताना। जा। रुकावट सिंह जी, आपके काम में खेत डालने वाले का पता हमको चल गया है। यानी कि हमाल लूट का माल हमें वापस मिल जाएगा? लूट का माल और लुटेरा भी। आप अपनी गाड़ी में बैठिए और 1,80,000 की रफ्तार में मेरे बताए हुए पते पर पहुंच जाइए। सब झोलझाल ठीक हो जाएगा। लेकिन पहुंचू कहां? अरे पता तो बताओ। खड़े शमशान के पीछे। खड़े शमशान के पीछे? अरे वहां को भूत भूत तो नहीं होगा? भूत की तरह नजर आएगा। बन गया मामा।
रुकावट सिंह का माल लूटकर आज तक कोई राजा नहीं बना है, जिंदगी भर के लिए भिखारी हो गया है। रुकावट सिंह जी, मैं तो रुपए लेकर आप ही के पास आ रहा था। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। इंसान थे तो बड़े गंदे थे, भूत बन गए तो बड़े जच रहे हो। एक काम करो, भूत की नगरी में ही आराम करो। इस लाश को विश्व मोहन को भेंट में दे दो। नमस्कार। नमस्कार। माफ करना इंस्पेक्टर, आज जरा मैं जल्दी में हूँ, फिर किसी दिन मिलना। अफसोस कि आप जा नहीं सकते। क्या बकवास कर रहे हो इंस्पेक्टर, हर महीने मिलने वाली नोटों की चमक ने तुम्हें पागल कर दिया क्या? जी नहीं। ये फूल किस खुशी में? अभी पता चल जाएगा। मिश्रा जी, किसने इसका कत्ल किया है? कौन है वो गद्दार जिसने अपनी मौत को दावत दी है? रुकावट सिंह। रुकावट सिंह आस्तीन के साथ, दोस्ती के साथ गद्दारी की है? जानते हो इसका अंजाम क्या होगा? भयानक तबाही। शांति शांति, पहले इसका क्रियाक्रम तो कर लो। नमस्ते रुकावट सिंह जी। आओ इंस्पेक्टर आओ, विश्व मोहन के मामा की मौत का जश्न मनाने आए हो? जी जी, मैं तो यहाँ अब मातम मनाने आया हूँ। मातम? मातम किस बात का इंस्पेक्टर, जश्न मनाओ जश्न, जैसे हम मना रहे हैं अपनी पहली वार की कामयाबी का, जो हमने दोस्ती के नाम पर दुश्मनी करने वाले की पीठ पर किया है। लेकिन इंस्पेक्टर, अगला वार छाती पे होगा। डिचो डिचो डिचो। ठीक है, आप कहते हैं तो मैं मातम की जगह जश्न मनाता हूं। लेकिन पुलिस स्टेशन में तो खबर है कि कोई आपके भाई की मौत का जश्न मना रहा है। अरे मर गया हमारे भाई की मौत पर जश्न मनाने वाला, बात करता है। जरूर मर गया होगा, क्योंकि कोई ना कोई तो मरा जरूर है। बहुत बड़ा झोल जाल है साहब, कुछ बदबू आ रही है। इसी में से बदबू आ रही है साहब। बात करता है, नोटों की खुशबू को बदबू कह रहा है। ये देख, इतने नोट जितने कि तूने अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखे होंगे। ये देख देख, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विश्व मोहन ही नहीं, साथ में सुल्तान भी। सुल्तान, इस चिता को तब तक ठंडी मत होने देना जब तक मैं विश्व मोहन और सुल्तान को इसके हवाले नहीं करता। भाईजन भाईजन, गजब हो गया, रुकावट सिंह के भाई का कत्ल हो गया। हम जानते हैं, हम जानते हैं। रुकावट यह समझ रहा है कि उसके भाई का कत्ल हमने और विश्व मोहन के आदमी ने मिलकर किया है। एक काम करो जी, रुकावट को फोन लगाओ। भाईजन मैंने रुकावट सिंह को फोन लगाया था, लेकिन वो बात करने को तैयार ही नहीं है। पुलिस कमिश्नर को फोन लगाओ और उसे कहो कि हमारी सिक्योरिटी बढ़ाए और अपने आदमी से कहो कि जंग के लिए तैयार हो जाएं। इस बात का तो पता लगाना पड़ेगा कि यह कत्ल किसने किया है।
वेलकम स्वागतम अर्थलाइन उर्फ धरती सिंह। दर दर की ठोकर खाने के बाद आखिरकार विश्व मोहन की चौखट पर आ ही गए ना। इस धरती पर मौजूद हर चौखट से गुजरना धरती सिंह का सगल रहा है विश्व मोहन। और हम दर दर नहीं मंदिर मंदिर भटकते सर, इसलिए कि यहां के मंदिरों में वो अनमोल रत्न छुपी सर, जो मीलों दूर से हमें खींच लावे सर अपनी ओर। ठीक उसी तरह जिस तरह की सपेरे के बीन पे सांप खिंचा चला वैसे, वहां की मूर्तियों और चौखटों में जड़े वो नवरत्न जिन्हें मैं चुरा लाया हूं, उन गांव के लोगों के लिए कांच के टुकड़े थे और रहेंगे भी। मतलब असली चुरा कर नकली फिट कर दी हा? यही तो कमाल है धरती सिंह का कि चोरी के बाद भी लोगों को पता नहीं चलता कि चोरी हुई है, और जब तक पता चलता है तब तक दूसरे मुल्क में किसी करोड़पति की तिजोरी की शोभा बढ़ा रहे होते हैं, और तब तक धरती सिंह धरती में समा चुका होता है बीड़ी पी के। धरती में समाने से पहले धरती सिंह उन नायाब हीरों के दर्शन हमें भी तो करा दो। जरूर। वाह लाजवाब बेमिसाल अनमोल, लोगों ने कितना मोल लगाया है इनका? 2 करोड़, पर धरती सिंह को यह सौदा मंजूर नहीं। तो धरती सिंह तुम्हें कितने चाहिए इनके? सिर्फ 3 करोड़। ये रकम कुछ ज्यादा नहीं है धरती सिंह? बिल्कुल नहीं। धरती सिंह को यह पता सा है कि वह हाकोड़ियों के मोल इन हीरो को बेच रहा था, और ये उसकी मजबूरी सा है, वरना विदेश में इसकी कीमत 20 करोड़ से भी ज्यादा सा है। ऐसी क्या मजबूरी है धरती सिंह कि तुम 20 करोड़ के हीरे सिर्फ 3 करोड़ में बेच रहे हो? अंग्रेजी, धरती सिंह को अंग्रेजी ना वैसा है, इसलिए तो वो विदेश ना जा पावे है। तुम्हारी कमजोरी का फायदा कोई और नहीं विश्व मोहन उठाएगा। तुम्हारा ये सौदा मुझे मंजूर है, अब तुम आराम करो, हम तुम्हारे जश्न का इंतजाम करते हैं। I'm not afraid to die.
जाए दीवाना, पहन के निकले जिधर से ये जग हो जाए दीवाना। विश्व मोहन के अड्डे से कोई भी जिंदा बचकर जाना नहीं चाहिए। मेरा क्या होना है सर? मारपीट हो रहे हैं सर। धरती सिंह है, माल ले और भाग ले इधर से, नहीं तो जान और माल दोनों को खतरा सर। बिना बीड़ी पी के ओ विश्व मोहन जी, दुनिया को लड़ने दीजिए और निकल चलिए, मेरा माल वापस कर दीजिए। आए छोड़ा लोग समझ लेंगे बीड़ी पी के। आ जाइए, तुम ठीक कहते हो, चलो। सुल्तान भाई बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूं। अब फैसले का वक्त आ गया है, हमें मिलकर रुकावट सिंह के निजाम को खत्म करना होगा, वरना वो हमें खत्म कर देगा। लेकिन मेरी तरफ से तैयारी मुकम्मल है, अब या तो विश्व मोहन रहेगा या रुकावट सिंह, हमें जवाब जल्दी चाहिए। ओके ओके।
गुड इवनिंग खन्ना। सर आप? अरे काहे का सर यार, अरे सर तो तू है, एसी ग्रिल सोफा क्या स्टाइल है यार, सब इंस्पेक्टर हो तो तेरे जैसा। मैं एक उलझन के साथ तेरे पास आया हूं। अभी तक रुकावट सिंह का माल लूटने वाले का पता नहीं चला और 7 दिन में से 2 दिन गुजर गए और इसी 2 दिन में 2 खून हो चुके हैं। इसका मतलब 5 दिन में और 5 खून होने वाले हैं। मैं समझता हूं अगर ये 5 खून हो भी जाए तो ये 5 आदमी हैं कौन? तीसरा सुल्तान भाई, चौथा रुकावट सिंह, पांचवा विश्वमोहन और छठा सुल्तान का भाई। लेकिन ये 7वें का पता नहीं चल रहा है यार। नहीं नहीं बह सर, मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? नहीं, मैं सोच रहा हूं कि अगर ऐसा हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है यार, तू तो एकदम सिक्योर्ड है। देख, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, बंगला है, ऐशो आराम है, तेरे बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं जहां कमिश्नर साहब के बच्चे पढ़ने के सपने भी नहीं देख सकते। अगर तू चला भी जाता है तो क्या फर्क पड़ता है यार? सर मुझे बचा लीजिए, कुछ भी कीजिए प्लीज। सत्संग कर, सत्संग, सत्संग में बुरे ग्रह कट जाते हैं। सर कुछ भी कीजिए, मुझे बचा लीजिए सर, कुछ भी कीजिए प्लीज। तू किसी भी तरह विश्वमोहन को एकांत में बुलाकर ला, वहां तुझे मैं पूरा आइडिया समझा दूंगा, तू बच जाएगा। ठीक है? ठीक है। अब मेरा क्या होगा? जैसा सर ने बोला वैसे ठीक रहेगा। विश्वमोहन जी, आपका खादिम आपकी ऐसी सेवा करना चाहता है जिसकी इस वक्त आपको सख्त जरूरत है। क्या मैं कुछ जान सकता हूँ? वो मैं आपको मिलकर ही बताऊंगा। आपको याद है ना, हम पहली बार कहाँ मिले थे? मैं आपको उसी जगह मिलना चाहता हूँ जिस जगह हम मिले थे पहली बार, आज रात 12 बजे। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। ओके ओके। गाड़ी में तो कोई नहीं था, हो सकता रुकावट सिंह के आदमी हो। भागो, तुम्हारी गाड़ी पीछे क्यों जा रही है? तुम्हारी गाड़ी में तो कोई नहीं था। गोली मत चलाइए, पेट्रोल की बारिश है वरना आग लग जाएगी। गोली मत चलाओ वरना आग लग जाएगी, क्या इत्तेफाक है, सेम डायलॉग सेम सिचुएशन। अभी मेरा प्लान समझ में आ रहा है ना खन्ना? अभी मैं तुझे पूरा आइडिया समझा देता हूँ। तो असली गद्दार तुम हो? ये लफ्ज तुम्हारे मुंह में अच्छे नहीं लगते खन्ना, क्योंकि गद्दारी की जीती जागती मिसाल तो मेरे सामने खड़ा है। ऊपर वाले का इंसाफ बड़ा कमाल का होता है, वो हराम का पैसा किसी ना किसी तरह ले ही जाता है। देखना, तेरा बड़ा बेटा चरसी, दूसरा बेटा बीमार, जिसकी बीमारी का इलाज करते करते तेरी तिजोरी खाली हो जाएगी, लेकिन वो ठीक नहीं होगा। कभी तूने ये सोचा है कि अपनी बीमारी से तंग आकर अगर तेरा बेटा तुझसे ये पूछ ले कि पिताजी तुम्हारे गुनाहों की सजा हमें क्यों मिल रही है, तो तेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। शायद तुझे इस बात का यकीन है खन्ना कि तेरा बेटा तेरा परिचय समाज में बहुत फख्र से देगा कि मैं इंस्पेक्टर खन्ना एक रिश्वतखोर सिपाही का बेटा हूं जिसकी घूस की कमाई से हम हट्टे कट्टे जवान बने हैं, जिसकी घूस की कमाई से हमने शिक्षा पाई है,
यहां तक कि हमारी मां की मांग का सिंदूर और मंगलसूत्र भी मेरे बाप की घूस की कमाई का है ना खाना। भाभी को जब इस बात का पता चलेगा तो वो क्या करेगी तू अच्छी तरह से जानता है खन्ना। खन्ना, स्वर्ग भी यहां, नर्क भी यहां, पाप भी यहां, प्राश्चित भी यहां। कम से कम उन बेगुनाहों को समाज में सर उठाकर जीने के लिए कुछ तो मिसाल छोड़ के जा। कुछ याद आ रहा है विश्वा मोहन? रात का वक्त, एक जावास पुलिस इंस्पेक्टर, पेट्रोल की बारिश। मुझे माफ कर दो ऑफिसर, खन्ना की तरह मुझे भी प्राश्चित का एक मौका दे दो प्लीज प्लीज। भगवान भी प्राश्चित का एक मौका देता है, हम तो पुलिस वाले हैं। थैंक यू थैंक यू। मैं बच गया। ये ऑफिसर वापस क्यों है? भाईजान ये देखिए, इन सब के पीछे इंस्पेक्टर प्रशांत का हाथ है। रुकावत सिंह को फोन लगाओ। जी दिन की दोस्ती के लिए सर पर कफन बांध कर तो तू आ गया है, लेकिन ऐसा कौन सा सबूत लेकर आया है जो तुझे यहां से जिंदा वापस ले जाएगा? रुकावत सिंह, ये मत समझना कि मैं तुमसे डर गया हूं। मैं तो खाली तुम्हें यह बताने आया हूं कि हम सबको आपस में लड़वा कर मारने का प्लान किसी और का है। ये देखो। अरे इसमें तो विश्व मोहन जलता हुआ दिख रहा है। अरे गौर से देखो, गौर से। अरे बाप रे, इसमें तो इंस्पेक्टर भी खड़ा है। इंस्पेक्टर प्रशांत। समझ गया। वो इंस्पेक्टर प्रशांत अपने आप को इतना इंटेलिजेंट समझता है कि उसने हम जैसे चालाक आदमियों को चूना लगा दिया। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर प्रशांत, हम तुम्हारी जिंदगी में इतना बड़ा चूना लगाएंगे कि रुकावट सिंह को उस चूना लगाने में बिल्कुल खेद नहीं होगा। जी, बुलावा आया है, बड़े भैया ने आपको बुलाया है। तुम चलो, मैं आता हूं। रुकावट सिंह के हुक्म को ब्रह्मा भी नहीं टाल सकता। तेरी औकात ही क्या है? चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ, वरना तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। अरे अंदर फट। चलो। बता, सच का पता चल जाएगा। बता, क्या है उसकी कमजोरी? तेरा तो बाप भी बताएगा।
साला कहता नहीं बताएगा। अरे जब भगवान की भी कमजोरी होती है, वो तो सिर्फ एक इंसान है। अरे बता प्रशांत की क्या है कमजोरी? उसका माँ बाप बहन भाई जिसके जरिए उसे यहां बुलाया जा सके, जल्दी बता। अरे बता। होम मिनिस्टर साहब, आपने मेरे मना करने के बावजूद टाइगर का ट्रांसफर मेरे इलाके में कर दिया और मुझे खबर तक नहीं। ये तो सरासर गद्दारी है मेरे साथ। ये लीजिए मेरा इस्तीफा। और आपके साथ 25 एमएलए भी इस्तीफा दे देंगे, यही ना? हाँ, कोई बात नहीं है, ये फाइल पढ़ लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। क्या इस फाइल में? इसमें आपके जो आज तक अंडरवर्ल्ड के साथ ताल्लुकात है उसकी रिपोर्ट है और गुनाह भाग जो भी करते आए हैं उसका पूरा डिटेल है। मुझे माफ कर दीजिए, अगर ये रिपोर्ट जाहिर हो गई तो मुझे सुसाइड करना पड़ेगा। मेरा पूरा सपोर्ट आपके साथ है। और मेरा पूरा सपोर्ट बंगाल टाइगर के साथ है। काश इस देश के कुछ सच्चे सिपाही इस टाइगर फोर्स में शामिल हो जाएं, तो आप जैसे गुनहगारों का खात्मा हो जाए। हेलो, प्रशांत वर्मा उर्फ बंगाल टाइगर। ट्रेलर देखा? मजा आया। ये 54 इंच का टीवी है, इस पर पिक्चर बहुत अच्छी नजर आती है। हाँ देख 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 साले, हम सबको मारने का जो तेरा प्लान था उसे पर्दा उठ चुका है। अब समझ में आया मेरे को कि तूने हमसे 7 दिन काय को मांगे थे। वो इसलिए कि तू उन 7 दिनों के अंदर अंदर हम सबको आपस में लड़वा कर मरवा देगा। लेकिन सोम, हम तेरे को 7 दिन नहीं देंगे, हम तेरे को सिर्फ देंगे 7 घंटे। 7 घंटे के अंदर अंदर मुंह उठाकर सीधा हमारे पास आ जा, नहीं तो क्या है कि अगला जो टीवी हम तेरे को भेजेंगे ना, वो 54 इंच का नहीं होगा, वो होगा 61 इंच का। 61 इंच का कितना बड़ा टीवी होगा, उस पर पिक्चर कितनी बड़ी बड़ी नजर आएगी और उसका साउंड सिस्टम वो तो कमाल का होगा। स्टीरियोफोनिक साउंड सराउंड सिस्टम 2001 मेगावाट। सुनना है? एक सेकेंड। हाँ एक सेकेंड, चल अपना साउंड बॉक्स खोल, बोल। नहीं प्रशांत, तुम यहाँ मत आना, तुम जैसे सच्चे सिपाही की देश को जरूरत है। मेरा क्या है, मैं रहूं या ना रहूं, तुम ना। रुकावट, साला मर्द होकर औरत पर हाथ उठाता है। हाँ, अभी तो सिर्फ हाथ उठाया है, अगर तू वक्त पर नहीं आया ना तो पता नहीं मैं क्या क्या कर दूंगा मैं, क्योंकि मेरा तो कोई भरोसा नहीं है ना, मेरा तो कोई करेक्टर ही नहीं है। एक चीज और, हमने तुझे 7 घंटे सिर्फ इसलिए दिए हैं क्योंकि यह हमारा स्टाइल है, हमारा स्टाइल है ये, क्योंकि हर मौत से पहले हम जश्न मनाते हैं और इस जश्न के अंदर नाचेगी तेरी प्यारी प्यारी छमिया। जश्न तो हम मनाएंगे, तेरी मौत का रुकावट, तेरी मौत का।
आजा छमिया। 7 घंटे पूरे होने में 5 मिनट रह गए। लगता है अब इंस्पेक्टर प्रशांत नहीं आएगा। आएगा। साले का बाप भी आएगा। वो इसलिए कि उसकी प्यारी प्यारी जो चाहती है ना, वो मेरे कब्जे में है। अरे ये कैसी आवाज है? लग रहा है कोई आ रहा है। Yeah.
लगता है इंस्पेक्टर प्रशांत अपाहिज हो गया है। ये क्या अपनी समय को बचाएगा भाई? ये इंस्पेक्टर प्रशांत नहीं है, इंस्पेक्टर विशाल है। गौर से देखिए इसे। ये लो, कर लो बात। शेर की जगह रैट आया है, यानी के चूहा, वो भी लंगड़ा लूला। आओ आओ आओ। अरे भाई तू जिंदा है, इस बात का तो हमें पता ही नहीं था। लेकिन तू जिंदा क्यों है? किसके सहारे जिंदा है? तेरा जिंदा रहने का मकसद क्या है? अरे तुमने अपने हाथों को नागिन से लपेट रखा है? अरे नहीं नहीं नहीं, ये नागिन नहीं है, नागिन के बाल हैं, उसकी जुल्फे हैं, जिसका सर हमने बहुत पहले कुचल दिया था। हा, 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 तो तुम अपनी मोहब्बत की निशानी को सीने से लगा रखे हो। वाह 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 वाह, वेरी गुड वेरी गुड। जिस तरह नूरजहां के लिए शाहजहां ने ताजमहल बनाया था, उसी तरह इसने अपनी मौत के लिए फांसी का फंदा बनाया है। हाँ, तो तू ये चाहता है कि तुम्हारी मौत भी हमारे हाथों हो, हाँ? जैसे तुम्हारी बीवी को हमने मारा था। वाह वाह वाह, क्या प्यार है। तू ये चाहता है ना कि प्यार करने वालों के इतिहास में तेरा नाम भी लिखा जाए। माशाल्लाह बालक, हम ये तेरी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। इच्छा तो जरूर पूरी होगी रुकावट, लेकिन तेरी नहीं इसकी। और ये जुल्फे तेरी मौत का फंदा बनेगी। आओ आओ टाइगर आओ, इंस्पेक्टर प्रशांत। वैसे तो वक्त के तुम बहुत पाबंद हो, जो सही वक्त पर आए। भाई लोग कहते हैं कि इंतजार में वक्त नहीं कटता, भाई झूठ कहते हैं। यहाँ वक्त कैसे कटा पता ही नहीं चला, इसलिए कि तुम्हारी माशू का बहुत बढ़िया नाचती है। लेकिन हमका एक बात समझ में नहीं आया इंस्पेक्टर प्रशांत, तुम्हारा ईद के साथ का रिश्ता है जिसको हम अपाहिज बना दिए? इसे अपाहिज बनाकर तूने इस भाई को अपाहिज बना दिया है। ये मेरी बहन का सुहाग है, इसकी तरफ गौर से देख, एक सुहागन के अरमानों की लाश दिखाई देगी। इस भाई की आंखों में देख, एक बहन की चिता की आग दिखाई देगी। ओ तो वो तुहार बहन थी? थी नहीं, अभी तक सीने में बैठी 7 साल से जाग रही है, सोई नहीं, सिर्फ एक ही सवाल पूछती रहती है, कब कब। Oh!
हर युग में यही होता आया है सुल्तान रुकावट, सच का बोझ हमेशा सच उठाता है, पर पाप का बोझ इतना ज्यादा होता है कि खुद पाप भी नहीं उठा पाता। विशाल भाई, मैंने जज्बात में आकर कानून को अपने हाथ में ले लिया और इन गुनहगारों को अपने हाथों से सजा दे दी। मैं जितना जज्बाती अपनी बहन के लिए था, उससे ज्यादा प्यार मुझे कानून से है, इसलिए मैं अपने आप को कानून के हवाले करने जा रहा हूं। इंस्पेक्टर प्रशांत वर्मा, यू आर अंडर अरेस्ट, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। जज साहब, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे किसी किस्म की रियायत न दी जाए और कठोर से कठोर सजा दी जाए, ताकि आज के बाद फिर कोई कानून का रखवाला कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश ना करे। चूंकि गुनहगार ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, इसलिए अदालत ताजिराते हिंद जेर दफा 302 के तहत मुलजिम प्रशांत वर्मा को मुजरिम करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाती है।